नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार शंकराचार्य ने शिरडी के साईं बाबा की पूजा को गलत बता दिया है। क्या कुछ हुआ है इस पूरे मसले पर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। क्यों बरसे साईं पर शंकराचार्य, क्यों उठाई शिरडी के साईं पर उंगली, क्यों किया लोगों की धार्मिक आस्था से खिलवाड़। हो जाए साईं बाबा के दर्शन, मन की आंखें खोलो। हो जाए साईं बाबा के दर्शन, मन की आंखें खोलो। साईं साईं बोलो, साईं साईं बोलो। जिस साईं में हजारों लाखों भक्तों की पवित्र आस्था बसी है, उसी साईं को धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस साईं के चरणों में रोजाना लाखों सिर नतमस्तक होते हैं, उसी साईं को शंकराचार्य ने पूजा के नाकाबिल बता दिया। गिरडी में आकर बाबा ने चमत्कार दिखलाए। आखिर क्यों साईं के खिलाफ शंकराचार्य ने मोर्चा खोला है? आपको बता दें, धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक विवादित बयान दिया है। शंकराचार्य ने शिरडी के साईं बाबा की पूजा को ही गलत बता दिया। शंकराचार्य की माने तो साईं को लेकर सिर्फ पैसे इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि वो भगवान नहीं है। उनका कहना है कि ये पैसा बटोरने की एक साजिश है। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। अब आप समझिए कि तिरुपति बालाजी की जो आमदनी है, उससे कुछ कम आमदनी शिरडी के साईं बाबा की है, मंदिर की है जी। तो ये दूसरे लोग इसमें हावी हो रहे हैं, यंत्र ये है, ये ब्रिटेन की तरफ से हो रहा है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी के साईं बाबा पर विवादित बयान देकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि साईं की पूजा करना हिंदू धर्म को बांटने की साजिश है। जो शिरडी के साईं बाबा की पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं, वे चाहते हैं कि हिंदू धर्म कमजोर हो। हमारे भारत का राष्ट्रपति वहाँ गया जी। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है तो हम ही क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है? वो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है जी। एक बार फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी। हमारे भारत का राष्ट्रपति वहाँ गया जी। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है तो हम ही क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है? वो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है जी। क्या आपको भी लगता है जो बात लाखों लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर सकती है वो सही होगी? अगर आपको याद न हो तो हम आपको याद दिलवा दें, ये विवादित बाबा हैं। जब भी मुंह खोलते हैं एक नए विवाद को जन्म दे देते हैं। कभी कभी तो ये इतना गुस्सा हो जाते हैं, मारने पर ही उतारू हो जाते हैं। हाल ही में हुआ लोकसभा चुनाव तो आपको याद होगा, जब बाबा ने एक रिपोर्टर को ही थप्पड़ मार दिया था। रिपोर्टर का कसूर सिर्फ इतना कि बाबा से एक सवाल पूछ लिया था। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण भारद्वाज की रिपोर्ट। तो जाहिर है शंकराचार्य सरस्वती स्वरूपानंद जो हैं, जब भी मुंह खोलते हैं विवाद खड़ा कर देते हैं। रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछते हैं तो उन्हें थप्पड़ मार देते हैं। विवादों से इनका खासा नाता रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर साईं पर जो यहां पर सवाल उठाए हैं और साईं बाबा पर शंकराचार्य ने विवादित टिप्पणी दी है, ये कितनी तर्कसंगत है, और आखिर साईं बाबा पर यहां पर शंकराचार्य ने आपत्ति आखिर क्यों उठाई है, और साईं भक्तों पर शंकराचार्य को क्यों आपत्ति है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव शर्मा जी मौजूद हैं। राजीव जी,
मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं पहले तो, और कितना तर्कसंगत है ये शंकराचार्य का इस तरीके से बयान देना। सुमित, सबसे पहले तो बात यह है कि शंकराचार्य ने इस समय ये बयान दिया क्यों है जी? मुझे तो इसके पीछे भी एक षड्यंत्र नजर आता है। इस समय जब नई गवर्नमेंट बनी है भारत में, जब सब तरफ से कोशिश की जा रही कि भारत में स्थायित्व आए, यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, और उस वक्त ये बयान आना, और आप हम देख रहे हैं उनके, हमने अभी देखा तस्वीरों में कि उनसे पूछा जा रहा है और वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इंग्लैंड भारत को बांटने की साजिश कर रहा है। अगर इंग्लैंड भारत को बांटने की साजिश कर रहा है और शंकराचार्य जी इस बात को समझ रहे हैं, तो उन्हें इस समय ये विवादित बयान नहीं देना चाहिए था। उन्हें इसको, जो शंकराचार्यों की जो एक संस्था है, विद्युत परिषद है, उस विद्युत परिषद में उठाना चाहिए था, इसको वहां विद्युत परिषद में उठाना चाहिए था। और इनकी जो दूसरी संस्था होती है काशी विद्युत परिषद के अलावा, वहां बैठकर के चर्चा करनी चाहिए थी। जो अखाड़ा परिषद है उसमें बैठकर चर्चा करनी चाहिए थी। हिंदू शंकराचार्यों को हिंदू धर्म का सर्वमान्य नेता माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ नेता माना जाता है, प्रतिनिधि माना जाता है, और इनको अपने भगवान शंकर के एक तरीके से प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाता है। तो उन्हें ये सोचना चाहिए था कि जिस बात को, जिस शब्दों को वो उच्चारित कर रहे हैं, उससे भारत में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं, वैमनस्य पैदा हो सकता है। और हालांकि शंकराचार्य की विद्वता पर हम प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी कई भाषाओं के ज्ञाता हैं और कई बहुत गहन अध्ययन है, और आपका ज्ञान असीमित है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें इस तरीके से ये सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। चाहे वो शिरडी के साईं बाबा हों या कोई और भी हों, जहां पर लाखों लाख लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, जहां आस्था जुड़ चुकी है, उसे उस पर कहीं भी लांछित नहीं करना चाहिए था सुमित। दूसरी चीज यह है कि अगर साईं को, शिरडी के साईं को, शिरडी के साईं बाबा को अगर हिंदुओं ने स्वीकार कर लिया है, तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर मुसलमान उसे नहीं स्वीकार करते हैं तो ना करें स्वीकार, ठीक है। हमारे यहां तो कहा जाता है कि हम तो पत्थर को भी पूज करके महादेव बना देते हैं, बिल्कुल, तो वो तो एक जीती जाती प्रतिमा थी जी, बिल्कुल। ये राजीव जी जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, सवाल यही है कि आखिर शिरडी के साईं बाबा पर इस तरीके से आपत्ति उठाना, शंकराचार्य के का ये जो बयान आया है, आखिर साईं बाबा को ही टारगेट यहां पर क्यों किया गया है? शंकराचार्य की तरफ से उन्हीं के खिलाफ इस तरीके का बयान यहां पर क्यों आया है? आप लोग भी तमाम अपनी राय हमसे जुड़कर रख सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे फोन लाइंस जो हैं खुल चुकी हैं और हमारे जो नंबर्स हैं लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप फोन कीजिए और अपनी राय रखिए, कितना तर्कसंगत आपको लगता है शंकराचार्य का इस तरीके से शिरडी के साईं बाबा पर सवाल उठाना। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार, अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हेलो जी, बोलिए। हेलो जी, बोलिए, क्या कहना है आपको? मुझे कह रहे हैं जी, मैं भी पत्रकार से जुड़ा रहा हूँ जी, दिल्ली से बोल रहा हूँ, और ये शंकराचार्य ने जो साईं बाबा के खिलाफ बोला जी, तो लोगों की उनमें आस्था है ना, शंकराचार्य में ऐसी क्या खास बात है जो लोग उसको मानते हैं? जो गद्दी पर बैठा हुआ पीले कपड़े पहन के और जो उसमें बोलता रहता है, इसमें ऐसी क्या खासियत है शंकराचार्य में? कुछ उसने किया? लोगों की आस्था है साईं बाबा में और उनके काम होते हैं, इसने इसने किसके काम किए जरा बताएंगे ये लोग? चलिए, बिल्कुल, ये इनका कहना ये है कि शंकराचार्य की तरफ से जो ये आपत्ति साईं बाबा के लिए, शिरडी के साईं बाबा के लिए उठाई गई है, ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। और जिस तरीके से ये सवाल उठाए गए हैं और जिस तरीके से कहा गया है, खासकर धार्मिक भावनाओं को यहां पर आहत पहुंचाने की कोशिश की गई है, हिंदू भावनाएं हों और मुस्लिम भावनाएं हों, जिसके लिए कहा जाता है कि साईं बाबा दोनों धर्म के एक जोड़ने का काम करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं यहां पर आहत किया गया है। आप भी लगातार हमारे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल करके अपनी जो बात है दुनिया के सामने रख सकते हैं सुदर्शन न्यूज के माध्यम से, और बता सकते हैं किस तरीके से आपको क्या लगता है शंकराचार्य का साईं बाबा पर इस तरीके से एक टिप्पणी करना आपको कैसा लगता है? राजीव जी, एक आहत पहुंचाने की कोशिश कही जा सकती है, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के एकता के प्रतीक माने जाते हैं साईं बाबा, उस उन पर इस तरीके की टिप्पणी आहत करेगी दोनों धर्मों के जो अनुयायी हैं उन्हें? सुमित, इन्होंने कहा है कि मुसलमान उन्हें मानते नहीं, भारत के राष्ट्रपति वहां गए थे,
उन्हें सद्भाव सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है, मुसलमान नहीं मानते तो हम क्यों माने जी, ये कहना थोड़ा आपत्तिजनक, थोड़ा नहीं बहुत आपत्तिजनक माना जा सकता है। कभी शंकराचार्य को किसी ने विवश नहीं किया है कि वो जाकर के शिरडी के साईं दरबार में जाकर के बैठे हैं या वहां जाकर के अपने धुनी रमाए, ऐसा शंकराचार्य से किसी ने नहीं कहा। और भारत में धार्मिक स्वतंत्रता शुरू से रही है, हमारे यहाँ चारबाग भी रहे हैं। राजीव जी आपको रोकना चाहूंगा, मेरे साथ फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं जी, कहिए आपको क्या कहना है। मुझे ये कहना है जी, आज ये शंकराचार्य आया कहां से जी, जब ये बोलता है साईं बाबा मनुष्य आदमी है जी, ये शंकराचार्य कौन सी दिशा से कहां से आए ये बताओ, और कैसे आप आरोप लगा रहे इतने सालों से चला जा रहा है, साईं बाबा का जो इतना धर्म और इतना माना हुआ है कैसे बोला मनुष्य जी। धन्यवाद। तो जाहिर है लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी, कहिए क्या कहना है आपको जी। धर्मेश जी क्या कहना है आपको? सर मैं कहना, शंकराचार्य ने जो बयान दिया है ये बहुत ही गलत बयान है, किसी धर्म की भावना को ठेस पहुंचाता है। साईं बाबा एक ऐसे हैं जिनको सभी धर्म पूजे जाते हैं, धर्म की एकता का प्रतीक माने जाते हैं वो, और उनके खिलाफ ऐसा बयान देना हम तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, बहुत बहुत ज्यादा सर। तो जाहिर है लोगों की भावनाएं यहाँ पर आहत हुई हैं, और कहीं ना कहीं लगातार जो है लोगों की प्रतिक्रियाएं इस संदर्भ में आ रही हैं, शंकराचार्य के इस बयान से लोग जो है कहीं ना कहीं दुखी हुए हैं। एक कॉलर और है हमारे साथ अहमदाबाद से जी, नमस्कार कहिए क्या कहना है आपको। चलिए यहाँ पर वापस कोशिश कर रहे हैं, कुछ और कॉलर्स लगातार यहाँ पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमसे कॉल करके अपनी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, आपको क्या लगता है शंकराचार्य का इस तरीके से साईं बाबा के बारे में आपत्तिजनक बयान देना किस तरीके से तर्कसंगत क्या माना जा सकता है जी। अहमदाबाद से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जी, कहिए आपको क्या कहना है। जी कहिए क्या कहना है आपको। चलिए लगातार जो है काफी ज्यादा प्रतिक्रियाएं यहां पर आ रही हैं शंकराचार्य के इस विवादास्पद बयान के बाद जो शिरडी के साई बाबा पर उंगली उन्होंने उठाई है। राजीव जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, कुछ कह रहे थे आप। सुमित उन्होंने एक इशारा इंग्लैंड की तरफ का किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो शंकराचार्य का दायित्व तो ये बनता है कि अगर उन्हें पता चल रहा है कि ईसाई मिशनरीज या इंग्लैंड उसको तोड़ना चाह रहा है तो वो हिंदू धर्म को इतना शक्तिशाली करें, इतना सहिष्णु बनाए कि वो ना टूट पाए और सारे लोगों की जो जैसे हमारी पहले से सहिष्णुता रही है कि हम हर किसी को साथ में लेके चलते हैं, हर किसी को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमें पता चलता है कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें उसको नुकसान पहुंचाने की बजाय खुद को अपने को मजबूत बनाने की जरूरत है। और ये हिंदू धर्म के प्रतीक हैं शंकराचार्य, बहुत सम्मान करना करते हैं हम लोग, लेकिन किसी तरीके से हम ये नहीं चाहेंगे कि लोगों की आस्था को कोई नुकसान पहुंचे। बिल्कुल आस्था को यहाँ पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। जी डी सहानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, कहिए क्या कहना है आपको। आई होप यू काइंडली अलाउ मी टू स्पीक इन इंग्लिश। जी जी बोलिए। या आई वुड लाइक टू से दैट Mr. Shankaracharya, जी. He has generally been a controversial figure. जी. Although we respect him, I request that he should maintain his dignity. जी. Yeah, that's all I want to say. जी जी बिल्कुल। जी डी सहानी साहब का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर शंकराचार्य ने बयान दिया है वो एक बड़ी पर्सनैलिटी जरूर है, लेकिन उन्हें भी अपने मान सम्मान का यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए और इस तरीके के विवादास्पद बयान यहाँ पर नहीं देना चाहिए। लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही हैं, आप भी हमें फोन करके जो नंबर लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं उस पर कॉल करके अपने जो प्रतिक्रियाएं हैं हम तक पहुंचा सकते हैं। लगातार नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका क्या मानना है शंकराचार्य का इस तरीके से विवादास्पद बयान देना शिरडी के साईं बाबा के लिए कितना तर्कसंगत आपको लगता है? कॉल कीजिए और अपनी जो आपके जो तर्क हैं और आप जो कहना चाहते हैं वो हम तक पहुंचाइए। मोहनलाल हमारे साथ एक कॉलर फिलहाल जुड़े हैं जी। मोहन जी कहिए क्या कहना है आपको। हेलो जी मोहन जी बताइए। हाँ शंकराचार्य सर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे जी। जी शुक्रिया। तो यहाँ पर ठेस पहुंचाने की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है, लोगों को जो उनकी धार्मिक भावनाएं हैं उनसे वो आहत हुए हैं जिस तरीके से यहाँ पर शंकराचार्य ने एक विवादास्पद बयान दिया है शिरडी के साईं बाबा के लिए।
एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कहिए, क्या कहना है आपको? शंकराचार्य जी ने सही बयान दिया है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश की जा रही है साईं बाबा के नाम से। जी धन्यवाद। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अलग अलग तरीके की धारणाएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शंकराचार्य सही कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की जिस तरीके से हमारे पास प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सभी का यह मानना है कि शंकराचार्य ने जो विवाद दिया है विवादास्पद बयान है। शिरडी के साईं बाबा के लिए इस तरीके का बयान यहां पर नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की एकता के प्रतीक यहां पर माने जाते हैं शिरडी के साईं बाबा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। जी कहिए, क्या कहना है आपको? हेलो जी बोलिए। हाँ सर, साईं बाबा के ऊपर जो बयान दिया है शंकराचार्य जी ने, जी तो अपन समझ लेना चाहिए कि शंकराचार्य जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। जी हिंदू धर्म के बारे में अपन समझ के लेना चाहिए। साईं बाबा अपने आदर्श है ही है, लेकिन शंकराचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि वो बराबर कह रहे हैं संतों का पूजा करना, मूर्ति मंदिर बनाना गलत बात है हिंदू धर्म के हिसाब से। जी शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है गुस्सा जरूर है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमें यहां पर मिल रही हैं शंकराचार्य के इस विवादास्पद बयान के बाद। और जाहिर है लोग लगातार फोन कर रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी कहिए, क्या कहना है आपको? हेलो जी बोलिए। हम ये बोलना चाहते हैं कि साईं बाबा जो है वो एक मस्कार आदमी थे, उनकी इज्जत है, लोग जो है उनको इज्जत करते हैं। तो ऐसे तो नहीं कोई करता है, जब तक कि कोई गॉड गिफ्ट नहीं होता है तब तक कि कोई इज्जत नहीं करता। रूपानंद जी जो है वो भी इज्जत के लायक हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको भी लोग मानने वाले हैं जी। तो ऐसा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग बिल्कुल डिग्निटी का यहाँ पर सवाल आ रहा है, कहीं ना कहीं जो डिग्निटी है उसे मेंटेन करके रखना चाहिए शंकराचार्य स्वरूपानंद जी को यहाँ पर। और जिस तरीके से यहाँ पर बयान उनका आया है उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा अब आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने यहाँ पर की है, उस पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं लगातार सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आप भी अपनी जो तमाम प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर लगातार हमारा टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हमें फिलहाल मिली हैं उसमें ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि जो बयान यहां पर शंकराचार्य के द्वारा दिया गया है ये काफी ज्यादा आहत करने वाला है। लोगों की धार्मिक भावनाएं यहां पर आहत हो रही हैं और इसीलिए शंकराचार्य को अपनी डिग्निटी के तहत इस तरीके का बयान यहां पर नहीं देना चाहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। तो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के इस तरीके के बयान आने के बाद, शिरडी के साईं बाबा पर सवाल उठाने के बाद लोगों की लगातार प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं जिसमें लोगों के अंदर खासी नाराजगी है। आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं, लगातार हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उनके जरिए सुदर्शन न्यूज तक अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका क्या मानना है शंकराचार्य का इस तरीके का विवादास्पद बयान का आपके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जी कहिए, क्या कहना है आपको? जी बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था जी कि ये देश को तोड़ने की जैसे बयान देते रहते हैं, ये जो इनके जो ट्रस्ट है ना जी, तो इसमें क्या कि ये जो इनकम टैक्स में 80% की छूट के लिए रसीद काटते हैं, ये उनको उसको हटाने के लिए बयान नहीं देते हैं, क्योंकि ये काले धन को सफेद धन में बढ़ाते हैं संत लोग, इसके बारे में क्यों नहीं कहते? जी धन्यवाद। तो लोगों की यहाँ पर प्रतिक्रिया यही, उनका यही कहना है कि लोगों की धार्मिक आस्थाओं को यहाँ पर चोट पहुँचाने की कोशिश की गई है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सूरत से। जी कहिए, क्या कहना है आपको? जब से पैदा हूँ तब साईं बाबा को जानता हूँ मैं जी, और ये शंकराचार्य कौन है आज तक मेरे को मालूम नहीं। अभी आज आपने टीवी में पहली बार उसको देखा है। जी धन्यवाद। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर है क्योंकि धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो लगातार लोगों की शिरडी के साईं बाबा से जुड़ी रही हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी कहिए, क्या कहना है आपको? हेलो जी बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फुरकान जी जो बोल रहे हैं जी, इनकी बात को पूरी तरीके से आप नहीं लगा सकते हैं जी।
ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो मंदिरों में आप जो जो युवा है आज का जी, ये थोड़ा आप देखिए तो हर बृहस्पतिवार को साईं मंदिर जरूर जाते हैं जी, लेकिन ये हफ्ते के किसी दिन या महीने में किसी दिन अलग किसी मंदिर में नहीं जाते हैं जी। शुक्रिया। तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमें यहां पर मिल रही हैं, जिसमें लोगों का कहना है कि शंकराचार्य ने सही कहा है, और ज्यादातर लेकिन लोगों का यही मानना है कि शंकराचार्य का इस तरीके का विवादास्पद बयान से लोगों की धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंची है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका। जी कहिए, क्या कहना है आपको? जी मैं भानु मिश्रा बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। जी जी, मेरा ये कहना शंकराचार्य जी का जो बयान सरासर गलत है, उनको अपने अस्तित्व पे खतरा आ रहा है, और साईं बाबा के जिसपे पर कृपा हो जाती है उसको धन्य हो जाता है जी। हम लोग की आस्था साईं बाबा के ऊपर बहुत ज्यादा है, जी शुक्रिया जी। तो लोगों की धार्मिक आस्थाएं जो है उन पर कहीं ना कहीं चोट हुई है, और सवाल यह भी कहा जा रहा है कि शंकराचार्य जो हैं अक्सर विवादास्पद बयान देते रहे हैं, उनका कई बार विवादों से पाला पड़ चुका है, कहीं कभी वो रिपोर्टर्स को थप्पड़ मारते हैं, कभी विवादास्पद बयान देते हैं, और इसी कारण वो कई बार खबरों में बने रहे हैं। एक बार फिर से शंकराचार्य ने यहां पर विवादास्पद बयान यहां पर दिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर शंकराचार्य की तरफ से शिरडी के साईं बाबा के लिए इस तरीके का विवादास्पद बयान आखिर क्यों आया है, क्या धार्मिक आस्थाओं को यहां पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है राजीव जी, जो यहां पर कोशिश हो रही है उससे धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचेगी? सुमित, ये प्रश्न धार्मिक नहीं, ये आस्था का है सिर्फ। हम हिंदू होकर के भी शिरडी के साईं बाबा के दरबार में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदू धर्म से पलायित हो गए या हम किसी दूसरे देवी देवता को नहीं मानते हैं। हम सारे देवी देवताओं को मानने के साथ साथ हम साई में भी अपनी आस्था रखते हैं। बिल्कुल। और हम जितने भी लोग हैं जो साई में आस्था रखते हैं, उनके सामने अगर इस तरह का बयान दिया जाएगा और ये ऐसी भावना आएगी कि जब मुसलमान नहीं मानता तो हम क्यों माने। बिल्कुल। और साई कोई अवतार नहीं है, और भारतीय धर्मशास्त्र कहते हैं कि सिर्फ दो ही अवतार हुए हैं, एक कल्कि और दूसरे बौद्ध अवतार। ठीक है, अपना शंकराचार्य जी अपनी जगह सही हैं, लेकिन उन्हें ये भी मानना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी किया, कि सनातन धर्म में कहा गया है कि हम एक पत्थर को पूजकर महादेव बना देते हैं, और ये हमारी भावनाओं का ये हमारी भावनाएं हैं कि हम किसी भी चीज में ईश्वर को देख लेते हैं। तो वो लोग जिन्होंने साई में ईश्वर को देखा है, वो निश्चित रूप से शंकराचार्य के इस बयान से आहत हुए हैं। जहां तक प्रश्न है शंकराचार्य जी के विवादास्पद बयानों का या उनके विवाद में बना रहने का, तो अभी सबसे ताजा जो उदाहरण है वो केदारनाथ की पूजा से संबंधित है। केदारनाथ में जब पूजा शुरू होने वाली थी, तो वहां के जो रावल जो मुख्य पुजारी होते हैं, उन्हें रावल कहा जाता है, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ये जगह अशुद्ध हो गई है, और यहाँ को शुद्ध किए बगैर यहाँ पूजा नहीं हो सकती है जी। तो तब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा था कि नहीं, हमारे जो भगवान शिव हैं वो तो मरघट के ही वासी हैं, जो मरघट के वासी हैं तो वो वहाँ अपवित्रता कैसे हो सकती। बिल्कुल। तो जाहिर है कि लंबा नाता यहाँ पर रहा है शंकराचार्य का, देखा जाए तो विवादों से, और एक बार फिर से उन्होंने कहीं ना कहीं विवादों को यहाँ पर हवा दे दी है। लेकिन शंकराचार्य के बयान के बाद साई भक्तों में खासी नाराजगी है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही है शंकराचार्य के इस विवादास्पद बयान के बाद, वो भी सुनिए। बहुत से लोग बाबा के बारे में बोलते हैं, बात करते हैं, ये सबसे बड़ा, और लोग उसको जगत गुरु कहते हैं, पर जो जगत गुरु रहते हैं वो अपनी गद्दी छोड़कर बाहर स्टेज पर कभी नहीं जाते। ऐसे लोगों ने बाबा के ऊपर जो श्रद्धा और सबूरी का संदेश का जो गलीच बनाने का कोशिश कर रहे हैं, कई साई बाबा संस्थान ने उसके ऊपर कुछ भी एक्शन लिया नहीं। ऐसा एक सबसे बड़ा भगवान के ऊपर लोग गलत बात करते हैं, इसलिए संस्थान ने उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। साईं बाबा जी भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो हिंदू धर्म को और मुसलमान धर्म को बांटना चाहते हैं। मेरे को साईं बाबा में से श्रद्धा है पिछले 5 सालों से, और मैंने जो मांगा है वो मेरे को हमेशा मिला है, इसलिए साईं मेरे लिए भगवान है, भगवान से बढ़ के। गुरु तो अपनी प्रशंसा बढ़ाने के लिए वो चाहते हैं कि और भगवानों को गिरा के वो गुरु अपने आप को ऊपर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साईं साक्षात रूप में भगवान है और वो भगवान ही है।
शंकराचार्य जी ने जो बताया उसके लिए हमको कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारे साईं बाबा के लिए श्रद्धा है, भक्ति है, हम किसी के कहने पर नहीं आते, हमारी खुद की इच्छा और भक्ति है, उनके प्रति श्रद्धा है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। हमें तो खासी अच्छी खासी यहाँ पर आस्था है लोगों की, और उसके बाद ही इस तरीके की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर मिल रही हैं। शंकराचार्य के बयान के बाद आहत हैं लोग, और उनकी प्रतिक्रियाओं में उनका यही कहना है कि शंकराचार्य ने ये विवादित बयान यहाँ पर दिया है, आस्थाओं को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर कही जा सकती है। कानपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे जानते हैं क्या उनका कहना है। जी कहिए, क्या कहना है आपको? हाँ भाई नमस्कार। जी बोलिए। हमें ये कहना है, देखिए अपने हिंदू धर्म में जो भी भगवान हुए थे, राम जी या कृष्ण जी, जिस युग में हुए थे, उन्होंने उस युग में राक्षसों का संहार किया था जी। और ये पता नहीं किसने साईं को बिठाल दिया, जिस समय साईं थे उस समय अंग्रेजों का राज था जी। अगर साईं भगवान थे तो इनको अंग्रेजों का संहार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और टीवी के माध्यम से 10 या 15 साल से टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से लोगों ने साईं को जानते नहीं, लोग साईं को जानते ही नहीं थे, साईं कौन था। चलिए धन्यवाद। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो अलग अलग यहाँ पर राय आ रही है। एक और कॉलर हमारे साथ है हरिद्वार से। जी कहिए, क्या कहना है आपको? हेलो सर, मेरा नाम अभिषेक चौहान है। जी अभिषेक जी बोलिए। मेरा ये कहना है, जो शंकराचार्य जी ने साईं बाबा पर प्रश्न उठाए हैं जी, सर ये बहुत ही गलत किया है, क्योंकि साईं बाबा ने कहा है कि सबका मालिक एक है जी, और साईं बाबा ने सब धर्मों को मिलाने की बात की, और शंकराचार्य जी का तो विवादों से पुराना नाता रहा है, ये कुछ मीडिया में आने के लिए इनका शंकराचार्य जी का एक हथकंडा है और कुछ नहीं है जी। धन्यवाद। तो जिस शिरडी के साईं बाबा ने ये कहा कि सबका मालिक एक है, उन्हीं पर शंकराचार्य ने यहाँ पर सवाल उठा दिया। एक और कॉलर हमारे साथ है पुणे से। जी कहिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद प्रभु। जी जय हिंद बोलिए, क्या कहना है? दो संदेह जाते हैं, गलत भी जाता है, सही भी जाता है। पहली बात तो कैसे शंकराचार्य जी का जो कहना है वो गलत है बिल्कुल जी। दूसरी बात जो साई बाबा की बात है, तो हमने सनातन में पहले बताया हुआ कि सबसे पहले अपने कुल देव और कुल देवी होते हैं, उनके बाद किसी को भी हम मान सकते हैं, ये बात भी सही है। मगर शंकराचार्य जी को जो बोलना है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने सभी संतों के ऊपर भी टिप्पणियां गलत दी है, जिसमें बापू जी के ऊपर दी थी, जो भी संतों के ऊपर आते हैं वो गलत ही बात करते रहते हैं। मगर ये शंकराचार्य का कहना गलत है बिल्कुल, क्योंकि साई बाबा को तो लाखों करोड़ों लोग मानते हैं ना, ऐसी बात तो है नहीं है ना जी। उनको बोलने का तरीका ही बिल्कुल गलत है वो जी। धन्यवाद। उनका सपोर्ट नहीं, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का कहना यही है कि शंकराचार्य ने जिस तरीके से टिप्पणी की है वो गलत है, कहना उनका गलत है, लोगों की आस्थाएं जो है शिरडी के साईं बाबा से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। एक और कॉलर हमारे साथ दिल्ली से है। जी कहिए, क्या कहना है आपको? मेरा ये कहना है कि शंकराचार्य सनातन धर्म के पोषक है जी, उनकी बात को नकारा नहीं जा सकता जी, ये डिबेट की बात है, और ये पुराने समय में चलता आ रहा सनातन धर्म पर जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल खोज की बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो एक लंबा विषय जरूर यहाँ पर कहा जा सकता है, एक डिबेट होनी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से टिप्पणी करना, उस पर लोगों को कहीं ना कहीं आपत्ति है, और लोगों का यही कहना है कि इस तरीके की टिप्पणी यहाँ पर की नहीं की जानी चाहिए। वैसे अलग अलग प्रतिक्रिया हमें मिल रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि शंकराचार्य ने इस तरीके से टिप्पणी करके कहीं ना कहीं लोगों की जो आस्था है उसे यहाँ पर चोट पहुंचाई है। एक और कॉलर हमारे साथ है महाराष्ट्र से। जी कहिए, क्या कहना है आपको? सर उन्होंने जात के आधार पर ये लिया है सर जी, उन्होंने जो मुस्लिम के आधार पर लिया है, उनका कहना है कि मुस्लिम धर्म मानते नहीं है हमारी जात को, ऐसा है जी। धन्यवाद। तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम का जो मसला है वो भी कहीं ना कहीं सामने रखने की कोशिश की गई है, लोगों को बांटने की भी कोशिश यहाँ पर कही जा सकती है। लोगों की ये प्रतिक्रियाएं लगातार हमको मिल रही हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं, लगातार हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका क्या मानना है, शंकराचार्य का इस तरीके से ये बयान देना आपको कितना तर्कसंगत लग सकता है, लगता है क्यों उठाई है शिरडी के साईं बाबा पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने उंगली, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे नंबरों के जरिए। राजीव जी, जिस तरीके से अभी हाल ही में जो प्रतिक्रिया आपने सुनी, लोगों का यह भी मानना है कि एक खाई जरूर यहां पर लोगों के बीच में, यानी कि हिंदू मुस्लिम का जो मसला है काफी ज्यादा पेचीदा है वैसे तो लोगों के बीच में जो है एक दरार जरूर पड़ सकती है, एक जहन में सवाल उठ सकता है अगर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आएंगी तो। सुमित, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज एक बहुत सनातन धर्म के वो प्रतिनिधि हैं और उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है जी। तो उनके बयान का असर होना बहुत, मतलब ये असर होना नहीं, बहुत बड़ा असर रखता है जी। और अगर वो सीधे सीधे ये संदेश देंगे कि मुसलमान नहीं मानता है तो हम क्यों माने, इससे
वास्तव में खाई के मतलब खाई नहीं, ये दो भावना फाट हो जाएंगे, दो हिस्से अलग अलग होते चले जाएंगे। और हमारे संतों की नीति तो हमेशा ये रही है कि सर्व समाज को जोड़कर चलें, केवल सर्व समाज नहीं, जो विधर्मी भी हैं, जो दूसरे धर्म के लोग भी हैं, उनको भी हम अपने भीतर समाहित करके चलें। बिल्कुल। तो लेकिन जिस तरीके से बयान आया है इसके बाद, तो क्या उम्मीद की जाए कि इसी तरीके की टिप्पणी या इसी संदर्भ में टिप्पणी थी? सुमित, यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये बिना किसी संदर्भ प्रसंग के ये बात आ जाना और ये टीवी में छा जाना, इसके पीछे भी मुझे एक कोई षड्यंत्र नजर आता है। क्योंकि शंकराचार्य हालांकि विवाद में हमेशा रहे हैं, मैंने अभी आपको केदारनाथ का विवाद बताया, इससे पहले मध्य प्रदेश में एक टीवी उसको पत्रकार को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था मोदी को, मोदी पर कोई सवाल पूछने के लिए। इसी की तरह इन पर हमेशा लोग ऐसा कहते रहे हैं कि कथित रूप से कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाली बातें करते रहे हैं, ये तो ये अलग चीज है, लेकिन हम उनकी विद्वता पर असर नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि उनकी बात का असर बहुत होता है और कोई भी नकारात्मक विचार या शब्द या संदेश उनके मुख से नहीं आना जी है। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ हैं अहमदाबाद से, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी कहिए, क्या कहना है आपको? जी बोलिए, आवाज आ रही जी। हेलो जी, बोलिए। जी बोलिए। सच्चे दिन से उनको याद कीजिए, आपको दिखेगा भगवान के रूप में। जी धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। नेपाल से एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। जी बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो जी, नमस्ते। जय हिंद। जी जय हिंद, बोलिए। तो लोग सबका मलिक एक कह रहे हैं, साईं बाबा बोले कि मलिक एक है जी, तो जाके एक बार सर पढ़ ले, उनको सबको मालूम हो जाएगा सबका मलिक कौन है। और रही बात साईं भगवान की, तो भगवान कहीं भी कोई अवतार नहीं है, वेद तो सिर्फ ईश्वर का बात करता है, पुराणों में तो सिर्फ अवतार का बात है, वेद में अवतार का भी बात नहीं है, तो साई कैसे भगवान आ सकता है जी? और सबका मलिक एक सबका मालिक कोई और है, साईं बाबा ने किसी और को दिया है। जी धन्यवाद। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं आप भी पहुंचाइए, स्क्रीन पर लगातार नंबर चल रहे हैं, लगातार हमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहां पर मिल रही हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है पंजाबी बाग दिल्ली से। जी कहिए, क्या कहना है आपको? देखिए, मैं ये कहना चाहिए शंकराचार्य ने जो कहा बिल्कुल गलत कहा। जी आज तक जितने भी किसी भी धर्म के भगवान देख लो, किसी भी धर्म के भगवान देख लो, कृष्णा लो, रामा लो, गुरु नानक लो, सब इंसान के रूप में आए हैं, और सिर्फ उनको सिर्फ एक ये चीज अलग करती है कि भाई वो उनके पास दिव्य शक्तियां होती हैं, तो वही दिव्य शक्तियां शक्ति मतलब बाबा के पास थी, वो चीज उनको अलग करी है जी। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि वो इंसान थे। तो लोगों का मानना यही है कि कहीं ना कहीं जो शंकराचार्य ने बयान दिया है ये गलत दिया है, शिरडी के साईं बाबा पर इस तरीके से सवाल नहीं उठाया जा सकता। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बयान से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक गुस्सा जरूर दिख रहा है, और लोगों का कहना है कि जो बयान यहां पर साईं बाबा के बारे में शंकराचार्य ने दिया है काफी गलत है। लगातार हम तक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारे नंबर जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। जी कहिए, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी, आपके टीवी के माध्यम से जी, साईं बाबा एक महापुरुष तो थे जी, एक अच्छे साधु भी थे, उनका त्याग भी काफी रहा जी, लेकिन वो भगवान नहीं थे, क्योंकि भगवान की उपाधि नहीं दे सकते, इसलिए शंकराचार्य जी ने जो भी कहा वो सही कहा है, अच्छे थे, महापुरुष थे, लोगों का भला करते थे जी, लेकिन वो भगवान नहीं थे जी, भगवान तो मात्र सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हुए हैं हमारे यहाँ जी। धन्यवाद। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचती हुई, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, किसी का मानना है कि शंकराचार्य ने जो बयान दिया है वो सही है, और लेकिन ज्यादातर की जो हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उनका ये कहना है कि इससे आस्था को जो है कहीं ना कहीं जो चोट पहुंची है, साईं बाबा को मानने वाले जो भक्त हैं उनमें कहीं ना कहीं खासा रोष यहां पर दिखाई दे रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी कहिए, क्या कहना है आपको? जी बोलिए। चलिए जी बोलिए, क्या कहना है आपको? सर जय हिंद सर, मैं मुंबई महाराष्ट्र से दीपक शर्मा बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए।
सर ये अपना जो शंकराचार्य जी ने जो बयान दिए हैं सर, बहुत ही विवादित बयान दिया है, साईं का साई की शक्ति जो है सर, इसकी उनको आइडिया नहीं है जी। धन्यवाद। इनको अभी जो भी सर जो अलग यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो बयान दिया गया है शंकराचार्य की तरफ से, उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। लाखों लोग जो हैं वो साईं बाबा के भक्त हैं और साईं बाबा के अंदर उनकी काफी ज्यादा आस्था है, मानते हैं शिरडी के साईं बाबा को लोग, और इस तरीके का बयान देना उनके शंकराचार्य का इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं आहत पहुंचा रहा है उन तमाम लोगों को जो शिरडी के साईं बाबा को मानते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका। जी कहिए, क्या कहना है आपको? जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए। हेलो, मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। ये जो भी शंकराचार्य जी ने बयान दिया है ये सरासर गलत है। जो संत संतत्व को सिद्ध होते जी, जो संत संतत्व को सिद्ध हुए वो ऐसा बयान कर ही नहीं सकते, और इस तरह का जो उन्होंने बयान किया है उसका हम निषेध करते हैं। साई बाबा के जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक लाखों करोड़ों भक्त है, इस तरह का बयान करना इसका मतलब यही होता है कि पूरे भारतवर्ष में अशांति फैलाना चाहते हैं। जी शुक्रिया। शंकराचार्य की आहत यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उसमें ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सीडी के साई बाबा पर इस तरीके का सवाल नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन राजीव जी, जो तमाम प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं उसमें लोगों का यह भी मानना है कि जो डिग्निटी है वो मेंटेन करनी जरूरी है। जो शंकराचार्य का जो पद है वहां से अगर इस तरीके का बयान आएगा तो उसके बाद जाहिर है लोगों के अंदर रोष उत्पन्न होना लाजमी है। सुमित, भारत में हमेशा भारत नहीं, हम अपने नजदीक में चलते हैं राजस्थान, यहाँ आप चले जाइए, यहाँ पर आपको हर खेत में या एक घर के बाहर आपको एक मंदिर मिल जाएगा और वो सती मंदिर कहलाता है। सती मंदिर कौन से हैं? वो जो जिन्होंने जौहर किया, जौहर मतलब वो महिलाएं जिन्होंने जो अपने पति के मरने पर उनके साथ में उनकी चिता में जल करके उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया जी, वो सती हैं। उनका उनके मंदिर बने हुए हैं और लोग बाकायदा जाकर के वहां पूजा करते हैं, और आज भी अगर आप सती के नाम पर राजस्थान में कुछ भी कहेंगे तो वहां बवाल खड़ा हो जाएगा, लोग मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा ही मसला साईं बाबा के साथ में है। साईं बाबा के साथ में लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और अगर ये कहा जाएगा कि क्यों उन्हें माना जाए या मुसलमान नहीं मानते तो हम उन्हें क्यों पूजने जाएं, तो इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं और हो रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। बार बार मैं कह रहा हूं कि स्वामी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज सनातन धर्म के धार्मिक प्रतिनिधि हैं, उनके एक एक शब्द का बहुत महीन असर होता है, बहुत भारी असर होता है, तो उन्हें साईं बाबा पर प्रतिकूल टिप्पणी करने से बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे जानते हैं आखिर उनकी क्या कहना है इस तरीके के बयान पर शंकराचार्य के। दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ एक कॉलर। जी कहिए, क्या कहना है आपको? जी बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर। जी नमस्ते, बोलिए क्या कहना है? शंकराचार्य जी का बयान आया है। हेलो। जी जी बोलिए। जैसा जी शंकराचार्य जी का ये बयान आया है जी, ये बिल्कुल सही है। संत कभी भगवान नहीं बन सकते, अगर भगवान बनते तो सूरदास जी, संत कबीर जी, ये सब भगवान होते जी। धन्यवाद। तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचती हुई, अपनी प्रतिक्रियाएं आप भी हम तक पहुंचाइए। नंबर जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा से, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बोलिए। हेलो। जी क्या कहना है आपको? अरे सर मुझे लाइन पर लाइन जी बोलिए, मुझे बात करनी है उनसे। जी बोलिए। आप लाइन पर हैं, बोलिए। हेलो। जी लाइन पर हैं आप, बोलिए। चलिए चलेंगे और कॉलर्स के पास यहां पर, लेकिन लगातार प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही हैं। विवाद को कहीं ना कहीं हवा दे दी है शंकराचार्य के इस तरीके के बयान ने, शिरडी के साईं बाबा पर जिस तरीके से टिप्पणी यहां पर शंकराचार्य सर स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से की गई है, लोगों के अंदर जो साईं भक्त हैं उनके अंदर खासा रोष है। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो ये मानता है कि शंकराचार्य की जो की तरफ से जो बयान दिया गया है वो तर्कसंगत हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो टिप्पणियां यहां पर आ रही हैं, ज्यादातर जो लोग मानते हैं उनका यही कहना है कि शिरडी के साईं बाबा पर इस तरीके की टिप्पणी जो है शंकराचार्य की तरफ से नहीं दी जानी चाहिए थी। एक कॉलर हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। जी बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। जी बोलिए।
हाँ जी सर, ये जो शंकराचार्य ने जो शब्द बोले हैं बड़े अच्छे बोले हैं, इनको बड़ा बहुत अच्छा समझना चाहिए इसके लिए। सर ये जो शंकराचार्य ने जो बोला है ये बड़ा अच्छा बोला है, इसके लिए समझो। ये जो गुरु हैं भगवान नहीं है, ये जो साईं बाबा हैं जी। धन्यवाद। तो लोगों का कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शंकराचार्य की तरफ से जो बयान आया है वो तर्कसंगत है, और उनका यह भी मानना है कि जो बयान दिया गया है शंकराचार्य की तरफ से ये सही है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हम तक अपनी प्रतिक्रियाएं पहुंचा रहे हैं उनका यह मानना है कि जो बयान आया है वो आस्थाओं को चोट पहुंचा रहा है। चाहे हिंदू धर्म की बात की जाए या मुस्लिम धर्म की बात की जाए, साईं बाबा को एकता का प्रतीक यहां पर माना गया है और उस पे कहीं ना कहीं चोट हुई है, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या मानना है शंकराचार्य के इस बयान पर। जी बोलिए। हाँ, वो शंकराचार्य के बारे में ही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ा भूल काम कर रहे हो एकदम। शंकराचार्य स्वरूपानंद जी सरस्वती जो है बहुत बड़ा भूल बात कर रहे हैं जी। धन्यवाद। तो लोगों की जो बयान आ रहे हैं, अलग अलग टिप्पणियां यहां पर लोगों की हम तक पहुंच रही हैं, आप भी अपना बयान हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हजारों लोगों की जो बात है वो हम तक लगातार पहुंच रही है, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर आपके चल रहे हैं। शंकराचार्य की तरफ से साईं बाबा के बारे में ये जो बयान दिया गया है आपको कितना तर्कसंगत लगता है? राजीव जी, यहां पर अगर धार्मिक भावनाओं की अगर बात की जाए या आस्था की बात की जाए, भारत में स्वतंत्रता है, किसी को कोई भी किसी को मान सकता है, चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो या मुस्लिम धर्म की बात हो, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये फोर्स करने की बात है जो शंकराचार्य की तरफ से की गई है? शंकराचार्य ने फोर्स नेगेटिव तरीके से किया है। उनका कहने का आशय है कि साईं भगवान नहीं है, साईं अवतार नहीं है, इसलिए उनको नहीं मान्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने एक नेगेटिव एस्पेक्ट उन सामने रखा है साईं भगवान का, जिसको लोग भगवान कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, संत अलग होते हैं और भगवान एक अलग श्रेणी में है, लेकिन आस्था के आगे भावनाओं के आगे भगवान भी छोटे होते हैं, ऐसे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जी। तो जब हमारी आस्था बड़ी है, हमारी भावनाएं बड़ी हैं, तो हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, किसी में किसी को भी कभी दर्शन कर सकते हैं। हमारे यहां कहा गया है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे जी। पिंड मतलब इस शरीर में, इस ईश्वर के शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड निहित है जी। जब इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड निहित है तो किसी में भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, चाहे वो साईं हो, चाहे खुद स्वरूपानंद जी हो, या कोई तीसरा भी व्यक्ति हो, या कोई चौथा व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है। तो जब हम इतना बड़ा दर्शन अपने मान को चलते हैं तो वहां पर इस तरीके की टिप्पणी देना अनुचित है। बिल्कुल राजीव जी, बहुत इतने वास्त तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, शायद मैं इतने अच्छे तरीके से ना कर पाऊं जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी बोलिए। हेलो जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। वी शुड नॉट डिस्क्रेडिट अदर्स, वी शुड बेटर एज मच एज यू कैन। वन हैज टू, हेलो जी जी बोलिए। वन शुड नॉट डिस्क्रेडिट अदर्स, वन शुड बेटर वन सेल्फ एज मच एज वन कैन। आजकल वर्ल्ड में पूरी कंपैशन सिटीज बन रही है, कंपैशन के लिए पूरा वर्ल्ड इस स्तर पर ट्राई सही कर रहा है। बाकी अरब कंट्रीज में देखो ये मजहब के पीछे क्या क्या हो रहा है। हमें भाईचारे से रहना चाहिए, कोई भी मजहब हो, हमें किसी की बुराई नहीं की निंदा नहीं करनी चाहिए जी। धन्यवाद। एक और कॉलर है हमारे साथ गाजियाबाद से, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी कहिए, क्या कहना है आपको? जी नमस्कार, मैं गाजियाबाद से अनिल बोल रहा हूँ जी। ये जो शंकराचार्य जी ने कहा ये एकदम सही कहा है कि साईं बाबा जो है वो भगवान हो ही नहीं सकते। साईं बाबा एक बाबा है तो उनको बाबा ही रहना चाहिए, ना कि लोगों को जो अंधविश्वास में इनको भगवान मान के पूज रहे हैं, वो गलत है जी। धन्यवाद। लोगों का अलग अलग यहाँ पर राय है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग उनका मानना है। कुछ लोग शंकराचार्य के बयान के समर्थन कर रहे हैं, उनका मानना है कि शंकराचार्य की तरफ से जो बयान आया है ये तर्कसंगत माना जा सकता है, लेकिन जो साईं के भक्त हैं या साईं बाबा को मानते हैं उनमें ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि इस तरीके का बयान शंकराचार्य को नहीं देना चाहिए था। जी जाहिर है, जिस तरीके से यहां पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार चल रहे हैं, अब कॉल करके आप बता सकते हैं कि शंकराचार्य के बयान के बारे में आप यहां पर क्या समझते हैं। राजस्थान से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं सर राजस्थान से बोल रहा हूँ, चुरू डिस्ट्रिक्ट से जी। सर
हाँ तो मैं भाई साहब ये कहना चाहता हूँ, जैसे शंकराचार्य बोल रहे हैं तो हमें भी इसके बारे में जो कह रहे हैं ना, जांच करनी चाहिए इस बात के बारे में कि क्या सही कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं सर। जी धन्यवाद। लोगों के अंदर जो है उत्सुकता भी है कि आखिर शंकराचार्य की तरफ से जो बयान दिया गया है क्या इसका कोई आधार भी है, तथ्य भी है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी बोलिए। अभी आप लाइव नहीं दिखा रहे क्या? आप लाइव जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में, आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है जी बोलिए। अभी जो ये शंकराचार्य ने स्टेटमेंट दिया है जी, ये एक्चुअल में क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पे हमारा संविधान हमें खुल के कुछ कहने की आजादी देती है जी। लेकिन इस संविधान के इस अनुच्छेद का शंकराचार्य ने उल्लंघन किया है। उनको समझना चाहिए कि वो एक धार्मिक गुरु, धर्म एक धर्म के बहुत बड़े प्रतिष्ठित आदमी, और उनका हर एक स्टेटमेंट हिंदुस्तान के जनता पे एक असर छोड़ती है। जी बिल्कुल, तो ये जी धन्यवाद। लोगों के अंदर जो है इस बात को लेकर भी सवाल है कि शंकराचार्य जो हैं वो एक काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्हें इस तरीके के बयान कम से कम नहीं देना चाहिए। लेकिन मिली जुली यहाँ पर प्रतिक्रिया मिल रही हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि शिरडी के साईं बाबा पर इस तरीके से टिप्पणी करना शंकराचार्य के लिए उचित नहीं है, आस्था को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। धन्यवाद राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम अपनी जो तमाम तर्क हैं हम तक देने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।